एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद उसने एक पार्टी रखी, ठीक है, जैसे मैंने हम कह रहे थे पार्टी रखेंगे आखिर में। उसने पार्टी रखी बढ़िया के अच्छे से होटल में, और सारे लोग जो है डेवलपर, क्यूए, टेस्टिंग, सारी टीम दे वार वेटिंग टू अनाउंस द बोनसेस, क्योंकि बड़ी अच्छी कंपनी फ्रेंचाइजेज वगैरह, वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है और उसको जब एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट में आता है ना, उस प्रॉफिट को वो कुछ पोर्शन या कुछ परसेंटेज डिवाइड कर देती है एम्प्लॉयज़ में, ताकि उनकी मोटिवेशन बना रहे और वो ज़्यादा मेहनत से काम करें, क्योंकि प्रॉफिट उन्हीं की वजह से आया, और वही उसको टाइम को लेट कर देते, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते तो लेट हो जाता, तो वो मोटिवेशन के लिए रखते हैं। तो उन्होंने लोगों को सोच रहे थे कि बोनसेस मिलेंगे। कुछ देर के बाद सीईओ आया और उसने ऐलान किया कि जनाब इस प्रोजेक्ट में हमें इतने मिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। और लोग हक्के बक्के रह गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यार, हम तो सोच रहे थे बोनसेस मिलेंगे। तो उसने कहा यार हमारे पास क्या हुआ कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कस्टमर ने कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद हमारे स्टाफ को ऑन साइट ट्रेनिंग देंगे, ऑन साइट ट्रेनिंग यानी हमारी जगह पे आके इसको डिप्लॉय करके सॉफ्टवेयर को ऑन साइट ट्रेनिंग देंगे। हमारी गलती क्यों है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर की ये थी कि उसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली कि इनके कितने ऑफिसेज और साइट्स हैं। तो पता चला कि वो पूरी दुनिया में ऑपरेट करते थे और पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे हैं, 20-25 मुल्कों में उनके ऑन साइट ऑफिसेज थे। उन तमाम पे जाके ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, आना जाना, रिहाइश, वो सारी सॉफ्टवेयर कंपनी को बेयर करनी थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में था कि ऑन साइट ट्रेनिंग देंगे, वो इंक्लूडेड पार्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉफ्टवेयर कंपनी की। तो अब वो कॉस्ट निकाली तो वो तो प्रॉफिट तो कहाँ क्या बच रहा था, लॉस में जा रहे थे, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिस करने से इतना बड़ा नुकसान हो गया, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें कोई निगोशिएशन नहीं है फर्दर अब डेवलपमेंट के बाद। तो ये सारी चीज़ें बड़ी की ऑब्जर्वेशन से हम कहते हैं कि आपको देनी होती है, कि सामने वाले को पूछेंगे कि कहाँ डिप्लॉय करना है, कितने नोड होंगे, उन नोड्स के अंदर कितने यूज़र होंगे, कहाँ कहाँ किस ऑफिसेज हैं आपके, कितने स्टाफ है, क्या उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्या उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ले के फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो बड़े इंपॉर्टेंट फेजेज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जस्ट थ्योरी पढ़ाई जाए, उसको बड़ा डिटेल में समझा जाता है सिनेरियोस के लिए आज से, रियल प्रैक्टिकल लाइफ से। इसी तरह से डेटाबेस डिज़ाइन में भी ये सारे फेजेस डेटाबेस के कंपोनेंट के लिहाज से आते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, हमारी अगेन स्टेज क्या होगी, इन सारे फेजेस के अंदर आप गुजरेंगे, और उन सारे फेजेस के अंदर आपने ये काम करना है कि पहली स्टेज उसकी भी यही होगी, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। और उसमें क्या करेंगे, आप रिक्वायरमेंट लेंगे यूज़र से, और रिक्वायरमेंट लेने के बाद यूज़र से उसको देंगे कि फॉर्म देंगे, सर्विस देंगे, क्वेश्चनर देंगे, उसे फिल करेंगे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन वो बता ही नहीं पा रहा, आपने उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, ना बताए तो क्या करना है, उसको ऐसे सिनेरियोज बना के देने, अच्छा ऐसा हो तो क्या करेंगे, अच्छा ऐसा होता हो तो आपके पास क्या करते हैं, मतलब सिचुएशंस बना के देनी है, जिससे क्या करेगा वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल के लिए, आपको प्रॉफिट देने के लिए, अदरवाइज कैन बी कन्वर्टेड टू लॉस। तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस पे चला था, एचडीएमआई टू पे चला था, वन पे, तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर डिज़ाइन करना है सिस्टम को, अदरवाइज सिस्टम फेल हो जाएगा। तो पहली स्टेज क्या हो गई, रिक्वायरमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इसके लिए आपको स्पेशल टाइप के लोग रखने पड़ते हैं जो बोलने के बड़े तेज़ हों, वो स्टार्ट, उनको बात करना है स्टार्ट, नए बंदे से जाके आप फर्स्ट टाइम बात कैसे करेंगे, हाउ आर यू सर, क्या व्हाट्स, कैसी अच्छी बास्केट आपकी, माशाल्लाह कहाँ से ली सर, स्टार्ट कर लेंगे आप अपनी कन्वर्सेशन, वो फील कंफर्टेबल करे, और फिर स्टार्ट हो जाएंगे और फिर पूछेंगे अच्छा अच्छा क्या है, कैसे करते हैं, गाड़ी कौन सी रखी है, स्टार्ट करें, अच्छा जो आपका बिजनेस है उसमें करते क्या हैं, उसके सिनेरियोस क्या है, फिर वो कहानियाँ बनाएंगे, और कहानियों से क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फिर बाद में जाके रिपोर्ट बनाते हैं कि इनको क्या चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन इनको किस लेवल पर। अरे सब कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सिस्टम इज सिस्टम, मर्जी का मालिक है। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको देंगे, फिर आप जब सिनेरियो से लेते हैं, स्टोरी बोर्ड बना लेते हैं, देन आपको क्या करना होता है, यूजर से
यूजर को रिक्वायरमेंट बना के दिखानी होती है कि हमने ये रिक्वायरमेंट आपके बारे में समझी, क्या ये सही है या मजीद इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मजीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो मॉडिफाई करेंगे। अगर कहते हैं नहीं, ओके आपने तो बस माशाल्लाह मैंने जो कहा नहीं था वो भी कर लिया और मुझे चाहता था कि आप किसी ना किसी तरह से कैप्चर करें, तो वो यूज़र की सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई कर देता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ गिविंग दैट प्रायोरिटी कि मेरी वो रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई नहीं थी वो भी उसने अज्यूम करके एक्सट्रैक्ट कर ली। फिर आता है आप कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाते हैं ईआर और ईईआर। ठीक है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और एक्सटेंडेड इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये डायग्राम्स बनते हैं, मॉडल्स बनते हैं। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं उसका लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं। ये डेटाबेस के कंपोनेंट बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिटेल हैं उसमें से एक कंपोनेंट के ऊपर। और फिर डिज़ाइन के नाम बनाएंगे लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या है, टेबल का नाम क्या होगा, उसके कॉलम क्या होंगे, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, तो ये हमारा कौन सा मॉडल कहलाता है, लॉजिकल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल मॉडल। तो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल या लॉजिकल स्कीमा बनाएंगे, यानी रिलेशनल डीबी बनाएंगे आप, डेटाबेस बनाएंगे। फिर फिजिकल स्कीमा बनाएंगे, फिजिकल क्या है कि कहाँ किस सॉफ्टवेयर में हमें स्टोर करना है डेटा, ओरेकल में, माइक्रोसॉफ्ट में, पोस्टग्रेएसक्यूएल में, मंगो डीबी में, किस में स्टोर करना है। ठीक है, और कहाँ स्टोर करना है उसके लिए फिर आपके स्टैंड अलोन पीसी और ग्रिड कंप्यूटिंग, सर्वर, क्लाउड एट्सेट्रा आ जाएगा। तो अगर मैं डिटेल में कहूँ तो इसको आप डिफाइन कर लें, कॉन्सेप्चुअल मॉडल में करेंगे डिफाइन व्हाट सिस्टम कंटेन्स, टिपिकली क्रिएटेड बाय बिजनेस स्टैक होल्डर। ये बिजनेस एनालिस्ट होता है, ये बिजनेस आर्किटेक्ट होता है, एक्चुअली डेटाबेस के लिए डेटा आर्किटेक्ट होगा जो डेटा को समझेगा कि डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है और बिजनेस में किस तरह का डेटा इस्तेमाल होता है, क्या स्टोर करना ज़रूरी है और क्या। इवन दैट अच्छा डेटा आर्किटेक्ट होता है वो ये भी देखता है कि आज तो ये चीज़ नहीं कर रहे, कल को फ्यूचर में इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पहले ही सिस्टम में डाल देगा। और इस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा इंडिपेंडेंस की लॉजिक, अब सिस्टम में डाल देगा, यूज़र कहेगा मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो वो यूआई पे क्या करेगा, फ्रंट एंड पे वो चीज़ गायब कर देगा और बैक एंड पे उस चीज़ को रखेगा, सिस्टम में रखेगा। और बाद में जब 1 साल बाद 1.5 साल बाद यूज़र जो है उसको यूज़ करेगा तो यूज़र कहेगा यार ये चीज़ करनी है, तो अच्छा फ्रंट एंड चेंज किया, ऐड हो गई, डेटाबेस में तो पहले से ही कंपोनेंट बना हुआ था। तो इसलिए कहते हैं हम डेटा इंडिपेंडेंस इज़ वेरी की कंपोनेंट टू डिज़ाइनिंग ए डेटाबेस। तो आसानी से कर लेगा वो क्योंकि उसको पता है ये चीज़ें। मिसाल के तौर पे कोई स्कूल है, उसने अपना सिस्टम बना लिया, अब करंटली स्कूल क्या करता है, फीस लेता है और बच्चों को पढ़ाता है ऐसे ही है। लेकिन बाद में हो सकता है स्कूल जो है वो सिबलिंग्स के ऊपर डिस्काउंट शुरू कर दे, तो ये इन्फॉर्मेशन तो कैप्चर करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, एक एडमिशन लेने वाला बच्चा जो है उसके फॉर्म में क्या हो, सिबलिंग्स स्टडिंग इन सेम स्कूल, इफ यस देन व्हिच क्लास नेम व्हिच क्लास, ये कॉलम तो होने चाहिए ना। अब शुरू में जब स्कूल खोलने वाला उसके जहन में तो ये बात होगी नहीं, लेकिन डेटाबेस डिजाइनर को प्रोजेक्ट का आइडिया होगा चीज़ों को, इन डोमेन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो पहले ही कंपोनेंट में डाल देगा। अगर आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी डाल देगा, बस फ्रंट एंड चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा और पैसे ज़्यादा लेगा। सबसे ज़्यादा अर्निंग जो होती है ना हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो होती है रीयूजिबिलिटी से। आपका कोड है, आपने कोई मॉडल बनाया अच्छे डिज़ाइन से, बस मैं थोड़े से कंपोनेंट चेंज किए दूसरे को बेच दिया, थोड़े से कंपोनेंट चेंज किए तीसरे को बेच दिया। यही वजह है कि अदर कंपनीज में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये बड़ा हम कहते हैं ना अर्निंग कर रहा है या प्रॉफिट है, उसमें इसी तरह से ज़्यादा प्रॉफिट आता है। एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी को वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे तब एक मोबाइल और बनेगा, सॉफ्टवेयर वाले को जस्ट 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 लाइन ऑफ कोड चेंज करना पड़ता है, नया सॉफ्टवेयर बन जाता है। एक कंपनी को सेल किया, दूसरे को सेल किया, तीसरे को सेल किया, इस तरह से ये रीयूजेबिलिटी जो है उसकी अर्निंग को इंक्रीज़ करती है। एक कोर्स सिनेरियो में दे देता हूँ आपको। मैंने जो फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की थी, ज्वाइन की थी, उसमें वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस बनाते थे, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, तो वो बड़ी रैपिडली कंपनी ने ग्रो किया था। मुझे इसलिए कि मैं उसके फर्स्ट एनुअल फंक्शन में जो सीईओ आया उसने बड़ी अच्छी तकरीर की और वो तकरीर मुझे आज तक याद है, वो आपके इंस्पायरेशन के लिए अच्छी है जो मैं बता देता हूँ आपको। उसने कहा मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी यूएसए में सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर की कंपनी मैंने स्टार्ट की यूएसए में, तो वहाँ पर एक ऑफिस बनाया, बाकायदा टीम रखी और वो काम करती थी। तो एक दिन मैं दूसरा बिज़नेस भी करता था, तो एक दिन मुझे कॉल आई मेरी सेक्रेटरी की, जो अकाउंटेंट फाइनेंस सेक्रेटरी थी एचआर, उसने कहा सर वी नीड मनी। मैंने कहा व्हाई, व्हाट्स मनी इन द अकाउंट फॉर द फैक्ट्री अकाउंट या कंपनी अकाउंट। तो उसने कहा जस्ट सर 1 डॉलर। कितना डॉलर? 1 डॉलर।
तो मैं परेशान हो गया कि प्रॉफिट देने की बजाय इतनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और ये कंपनी क्या कर रही है, $1 लेके बैठी है, अर्निंग नहीं कर रही। सो मैंने कहा शट डाउन द ऑफिस इमीडिएटली, बंद कर दो कंपनी, इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने लगाई उसके बाद कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। मैंने बंद करवा दी कंपनी। फिर मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में आके मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया और एक टीम बनाई। एक टीम बना के मैंने एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 15 से 16 लोगों को मिला के छोटी सी कंपनी डाली और इवन दैट वो इतनी सपोर्टिंग टीम थी कि हम नेटवर्क की वायरिंग खुद लगा रहे होते थे, सेटिंग कर रहे होते थे और कंपनी हमने स्टार्ट कर दी। वो कंपनी हमने चलाई और उस कंपनी ने, वो तीसरा उसका फंक्शन था, एनुअल डिनर था, 3 साल के अंदर 16 एम्प्लॉय से 300 एम्प्लॉय में बन गई और एक बड़ी, उस वक्त उसका ऑफिस था आईटी पार्क में, आईटी पार्क में उनका ऑफिस था। और वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पेसिफिकेशन बनाती है, वो बहुत सारे मुल्कों में बेचती है, जी amazon.com, ईबे, बड़ी बड़ी शॉपिंग, ये जो है बुक आपकी हैं कमर्शियल वेबसाइट, इनके ऊपर इनकी प्रोडक्ट सेल होती हैं। और वो एक प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन, उस देर की बात बता रहा हूँ, आज से 2007 की आप अंदाज़ा कर लें, तो उस दौर में वो कहते थे एक प्रोडक्ट के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है हम सेल करते हैं $5 की, बनाते हैं एक दफ़ा सेल करते हैं $5 में, किसको, एक बंदे को, एक कंपनी को, एक दफ़ा, दोबारा मांगेगा फिर अगेन 5 की। और कितनी कंपनी को दे सकते हैं, जितनी भी कमर्शियल कंपनीज हैं जितनी पूरी दुनिया में, ग्लोब में। और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें डेवलपर चाहिए होते हैं, यानी क्यूए चाहिए होते हैं, इंस्पेक्शन टीम चाहिए, तो उसकी वो कलेक्शन वाले जो कंपोनेंट बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो जो एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो कलेक्ट करते हैं ना, वो कितनी कर लेता है। मैं उस वक्त स्पेसिफिक क्यू में, क्यूए टीम में था, तो जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कलेक्ट करती थी वो टीम दूसरी थी, मैं क्वालिटी इंश्योरेंस करता था, क्यूए में था मैं, तो वो तकरीबन रोज़ाना 100 कर लेते थे, एक बंदा 100। सैलरी कितना ले रहा था, 18,000 रुपये, और एक प्रोडक्ट 100 प्रोड्यूस कर रहा है वो, और सेल कितनी हो रही है एक प्रोडक्ट $5 की, 100 कितनी हुई, $500 की, एक कंपनी को $500। और कितनी कंपनीज थी, तो क्यों ना ग्रो करेगी, ग्रो करेगी ना, प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपनियां ग्रो करती हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बड़ी रैपिडली ग्रोइंग है। फिर हम यही कहते हैं कि हमारे पास नेबर कंट्री जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसने प्लानिंग की उसी दौर से, हमारे पास ये है कि हम शॉर्टकट देते हैं, कार्ड लिया 16,000 आ गए, वो कटवा लिए, कोई खा लिए, ठीक है ना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई प्रोग्राम पैसे मिल गए, उससे मिल गए, उससे मिल गए, बस खाए पिए और ऐश। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को यूज़ ही नहीं करते। अगर हम सही से अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को यूज़ करें, दिमाग की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह आप सारे ब्रिलियंट माइंड के लोग हैं, बस उसका सही इस्तेमाल है। और जब सही इस्तेमाल करके करेंगे, और ये इसके लिए तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए, और वो कंप्यूटर कितना महंगा मिलता है, सबके पास है, ऐसे ही फ्रीलांसिंग देख लें, अभी हो रहे हैं लोग आए उस पर आ गए, कंपनी डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल चीज़ है अपनी प्रोफेशन के साथ डेडिकेशन, और उसमें क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना और कस्टमर का ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना, पहले गुड क्वालिटी की चीज़ें देना। क्लियर हो गया, चलें कम बैक टू द टॉपिक। सो इसमें हम कहते हैं, मैंने बताया था कि आपने क्या बताना है, कंसेप्चुअल मॉडल में क्या बनाना है, और क्या बनाना है उसमें जो जितना अपना आर्किटेक्ट अच्छा होगा वो सही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। फिर पर्पस है ऑर्गेनाइज स्कोप एंड डिफाइन द बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड रूल्स।